पंकज विनीता, विनोद कोकिला, नितेश मोनिका, निकुंज जी मोनिका शाह, जोशल नमन, रिदम भक्ति, दिया ध्वनि, परी दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। जान भरे इंसान की जय, आनंदित गुणवान की जय, जन जन मन को सन्मार्ग दिखाया महावीर भगवान की जय। सौभाग्यशालियों, बचपन से जिनके गुण गाए, बचपन से जिनके दर्शन के भाव सजाए, जीवन के 47 बसंत बीतने के बाद उन भगवान महावीर स्वामी के पहली बार दर्शन पाए, और बालपन में एक गीत सुना करते थे और बोला करते थे, मंदिर हमारे में आ जाइयो टीले वाले बाबा। बड़े बड़े लोग अच्छे से गाते थे, छोटे छोटे बच्चे उस पर घूमते थे, लेकिन वो लाइनें तब से आज तक दिमाग में गूंजती हैं, मंदिर हमारे में आ जाइयो टीले वाले बाबा, और पहली बार उन टीले वाले बाबा का दर्शन करके। और ये संयुक्त तो देखिए, जो यही सरदा आप देख रहे हैं, इसका प्रवर्तन भले ही अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री ने, राज्यपाल ने जयपुर से किया हो, लेकिन तब यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था और हमने कहा कि पहली बार आप महावीर जी लेकर के जाइए रथ को, और आध्यात्मिक रथ का प्रवर्तन आप महावीर भगवान के चरणों से कीजिए, और यहीं से हुआ था। दक्षिण भारत की यात्रा करके वो रथ यहाँ पर पहुंचा, उसका काम सिर्फ है अहिंसा के संदेशों का विस्तार करना, लोगों को जगाना, संग्रह करना नहीं, धन संग्रह करना उसका लक्ष्य नहीं है, जन संग्रह करना उसका लक्ष्य है। जन का संग्रह होना चाहिए, जिन धर्म से जन जन जुड़ना चाहिए। ये दिन क्यों हमारे जीवन में आया, कैसे आया, इस पर बात करेंगे तो काफी वक्त जाएगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि जो सौभाग्यशाली व्यक्ति 12 भावना भाता है, वही रत्नत्रय की तिकड़ी को पाता है, और जो रत्नत्रय की तिकड़ी को पाता है वो 24 बार तीर्थंकर महावीर बन जाता है। एक अलग तरह का आनंद, एक अलग तरह का सुकून भगवान के चरणों में बैठने पर मिलता है। अनेकान भाई वाणी आप सुन रहे थे, अरे सच्चाई है, क्योंकि सारे तीर्थ हमें पूजनीय है, वंदनीय है, हर एक तीर्थ का संरक्षण होना चाहिए, हर एक तीर्थ का संरक्षण होना चाहिए, हर एक तीर्थ का संवर्धन होना चाहिए, हर एक तीर्थ का वंदन होना चाहिए, हर एक तीर्थ का अभिनंदन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी एक तीर्थ की बात करें तो कहेंगे सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी, सबसे बड़ा अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी। 350-450 साल से ज्यादा पुराना इसका इतिहास है। भगवान की प्रतिमा तो कब की है उसका तो कोई ठिकाना नहीं है। मुकेश जी, विद्यालय में अंत्याक्षरी हुआ करती थी, श्री गणेश दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय बरनी भवन मोराजी सागर, उसमें अंत्याक्षरी होती थी। अंत्याक्षरी जानते हैं, धार्मिक अंत्याक्षरी होती थी। अब बहुत सारे अक्षरों पर तो मिल जाता है, रास्ते मिल जाएगा, दोहे मिल जाएंगे, विनय पाठ में मिल जाएंगे, पूजा में मिल जाएंगे, लेकिन कभी ठापर अगर पूरा हो गया तो बड़ा मुश्किल लगता था। वो मिलता था महावीर जी की 40 में, ठंडा हुआ तोप का गोला, तब सबने जयकारा बोला, मंत्री ने मंदिर बनवाया, राजा ने भी द्रव लगाया, और जिसको ये याद हो जाता था वो जीत जाता था। ठापर किसी को नहीं बनता था,
तो ये वह भूमि है कि जो इस भूमि में माथा नवाता है, भगवान के चालीसा को गाता है, हर संकट से मुक्ति पाता है। मासी चालू होती शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। मासी चालू होता तो महावीर महाभूर अजूले अखियों में, ये तो ठीक है, लेकिन कहीं ठाठ पर आ गया, पाठ पर आ गया तो ठा बोलो अब क्या होगा। तो महावीर स्वामी का नाम, महावीर स्वामी का चालीसा वो मंत्र है कि जिसको गाने से हर एक समस्या सुलझ सकती है। दोहों श्लोकों की अंताक्षरी तो क्या, जीवन की अंताक्षरी भी आपकी सुलझ सकती है। सौभाग्यशालियों कल्याण हुआ, प्रज्ञ भी थे, सौभाग्य भी थे, बहुत सारे साधुओं के सानिध्य में कनाट प्लेस का बड़ा सुंदर पंच कल्याण। उसके बाद पहुंचे मथुरा जी, मथुरा में भी पंच कल्याण का योग बना, और उसके बाद प्रथम गणनी आर्य का विजयमती जी की जन्मभूमि कामा में महामंगलकारी पंच कल्याण महोत्सव। उसके बाद भुसावर का दर्शन किया, भुसावर का दर्शन करके एक बार ऐसे लगा कि अगर इस भूमि का दर्शन ना करते तो बहुत बड़ी भूल होती। वहां पर भी प्राचीन, मुझे लगता है कि भगवान महावीर स्वामी इस क्षेत्र से प्रकट हुए हैं, ये क्षेत्र कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दिगंबर जैनों की बहुत बड़ी राजधानी रहा है। अब हिंडोन सिटी के पुराने मंदिर के दर्शन कर लीजिए, वो जो वहां की पुष्पदंत भगवान की, नैमिनाथ भगवान की प्रतिमा है, 900 साल से ज्यादा पुरानी और ऐसे वितरागता जराती प्रतिमा। ये क्षेत्र कहीं ना कहीं इतिहास में जैनों के खाते में दर्ज रहा। और महावीर स्वामी की बोलती प्रतिमा तो आज भी सिद्ध करती है कि तुम महावीर के चरणों में आओ और जिंदगी के हर संकट को चुटकियों में मिटाओ। अभी कह रहे थे पंडित जी 3 किलोमीटर दूर के हैं, 3 किलोमीटर दूर के, यहाँ भी 13 फुट दूर बैठे। अभी तो जो भूमिका है वो पूरी करें, और उसके बाद जो सच्चे मन से देवशास्त्र गुरु की पूजा करता है, भक्ति करता है, एक दिन उसकी दूरियां भी खत्म हो जाती हैं। भगवान के चरणों में पहुंच गए, बैठे के चरण स्पर्श किया। प्रसिद्ध तीर्थ है महावीर जी, आप देखिएगा ये अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के चेहरे की छवि सांगानेर के आदिनाथ बाबा से भी बहुत कुछ मिलती जुलती है। पहले तीर्थंकर से आखिरी तीर्थंकर तक हमें एक एक तीर्थंकर की प्रतिमा, एक एक तीर्थ के प्रति समर्पित होकर के सोचने की, करने की जरूरत है। हम तो इन लोगों को बहुत आशीर्वाद ले देंगे कि 1930 से जब से इस तीर्थ की कमान जिम्मेदारी संभाली, आज उसकी महिमा कई गुना बढ़ गई, और कई गुना बढ़ना चाहिए। तिजारा गए थे तो रास्ते में हमारे को एक खेत में रुकना पड़ा था और जोर से पानी बरस गया। ये बात अलग है कि सामायिक के बाद एक बंगला वाला आदमी आया और उसने कहा कि सिर्फ 50 कदम पर हमारा बंगला है, पूरा खाली पड़ा है, आप उसमें विश्राम करिए। मैं जैन नहीं हूं आप, लेकिन आपको पधारना पड़ेगा, अभी तो रात के केवल 8 बजे हैं, पूरी रात कैसे गुजरेगी। तो टॉर्च जला करके, और उसमें हैं कुछ लोग उस समय, तो लघु संघा के निमित्त से फिर उसके बंगले में चले गए। फिर सुबह हमने कहा कि भाई इतना बड़ा तीर्थ तुम्हारा है और साधुओं के विश्राम के लिए बसती का तुम्हारे पास 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आसपास नहीं है। तो फिर उन्होंने कल बताया कि महाराज जी दोनों तरफ हमने 10-10 किलोमीटर पर जगह खुद की खरीद ली है, और आपका आशीर्वाद रहा तो दोनों जगह जल्दी बड़े बड़े भवन बन के खड़े हो जाएंगे, उस संस्था की संपत्ति कहलाएगी और मुनि राजों के विश्राम के काम आएगी।
हमने कहा ऐसे महावीर जी वालों को भी करना चाहिए, ऐसे सक्षम तीर्थों को करना चाहिए कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी, उनकी अपनी जगह 10, 20, 25, 30, 50 किलोमीटर तक रहे, 20-20 किलोमीटर के अंतर से, और वो मुनि संघ के विश्राम के काम तो आए, लेकिन कभी अगर हमें योग्य जिम्मेदार व्यक्ति मिलता है तो हम किसी को स्कूल चलाने को दे दें, किसी के किसी काम के लिए दे दें, ताकि उसकी देखरेख हो, सुरक्षा हो, और मुनि संघ आए तो वो तो आपकी है ही है। इस तरह के उपक्रम धार्मिक संस्थाओं को और हाथ में लेना चाहिए। बड़े स्कूल, बड़े कॉलेजेस, वो अपनी जैन संस्थाओं में भी चालू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अभ्रंश अकादमी चलती है, यहाँ से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। और मुझे तो आज तक याद है, अब मैं सोचता हूँ कि अब कैसे चुकाऊंगा, जब 8वीं 9वीं पढ़ते थे तो 300 रुपये बॉय छात्रवृत्ति महावीर जी से हमारे लिए आई थी। अच्छे नंबर आए थे, तो अब बताइए, आप ये बैठे हैं, बताइए कैसे जमा करें आप वापस। लेकिन ये ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी संस्थाओं को, ऐसी चीजों को जीवंत रखना चाहिए कि छात्रवृत्तियां दी जाएं, स्कूल बनाए जाएं, छात्रावास हों, इससे समाज के विकास में बहुत बड़ा हाथ लगता है। गुरुकुल के माध्यम से बच्चों का बहुत उपकार होता है। अगर कोई गुरुकुल ना मिला होता तो ना आज हम महावीर की मुद्रा में होते और ना महावीर जी में होते। वो धार्मिक संस्कार, एक माहौल, सौभाग्यशाली हो जब हम प्रभु के चरणों में पहुंचे, केवल मुद्रा निहारी, आप कुछ बोलिए मत, आप कुछ करिए मत। महाराज जी बोल रहे थे कि विमल सर जी कि महाराज जी ने क्या बात की, पंडित जी भी कह रहे थे लफ्जों को ओठों पर लाकर, शब्दों को ओठों पर लाकर मन के भेद ना खोलो, शब्दों को लफ्जों को ओठों पर लाकर मन के भेद ना खोलो, आंखों से मैं सुन सकता हूं, आंखों से तुम बोलो। आंखों से मैं सुन सकता हूँ, आंखों से तुम बोलो। मैंने आंखों आंखों में ही बस इतना कहा, दर्शन किया कि बहुत परसों की प्यास शांत हुई, ऐसे वीतराग प्रतिमा के दर्शन कर लिया, और प्रार्थना मन मन में यही की। मैंने कहा हे भगवान महावीर, मुझे पता है कि आप मुझे मोक्ष नहीं दे देंगे, मुझे पता है कि आप मुझे मोक्ष नहीं दे देंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपको जाने बिना भी हम मुक्त नहीं होंगे। हमारा वीतराग जिन दर्शन कहता है कि भगवान कोई हाथ पकड़ के मोक्ष नहीं ले जाते, भगवान तुम्हारे कर्मों को, विकारों को मिटा नहीं देंगे, लेकिन वो तुम्हें वो चाबी दे देंगे, लेकिन वो मार्ग तुम्हें बता देंगे कि भाई मैं इस मार्ग से जाकर के सिद्ध हुआ हूं, मैं इस मार्ग से चल करके महावीर बना हूं, तुम भी इस मार्ग से चलोगे तो आज नहीं तो कल तुम भी महावीर बनोगे। इसलिए महावीर भगवान को सिर्फ निहारिए, सिर्फ देखिए, कुछ ये महावीर प्रभु से कुछ कहिए मत, महावीर प्रभु से कुछ कहिए मत, बात मत कीजिए, महावीर तो आनंद की मूर्ति हैं, जी भर के पीजिए, जी भर के पीजिए। सिर्फ देखो, सिर्फ तपस्वी सम्राट कहते थे, एक इंग्लिश में बोला करते थे, ए ब्यूटीफुल फ्लावर एंड ब्यूटीफुल गॉड, Only see, don't touch, only see. तुम छुओ मत, सिर्फ देखो। श्रावक श्राविकाओं छुओ मत, देखो,
महाराज जी को भी छूने का बहुत ज्यादा लालच मत करो, प्रभु को भी छूने का बहुत लालच मत करो। पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण शांत है, आनंदित चित्त है, अनुकूल अवसर है तो भले चरण स्पर्श कर लो, लेकिन चरण स्पर्श से ज्यादा महत्वपूर्ण है आचरण का स्पर्श। सौभाग्यशाली हो, श्रावक हो, भगवान की भक्ति पूजा खुद करो, मुनिराजों का पड़गहन खुद करो, जैसे व्यापार खुद करते हो ऐसे ही प्रभु से प्यार भी खुद ही करो। इन चीजों के लिए औरों का सहयोग मत लो, लोगों को जोड़ो, वो भी इस आनंद में शामिल हो। सिद्ध है, प्रसिद्ध है, तीर्थ राज शान है, सिद्ध है, प्रसिद्ध है, तीर्थ राज स्थान है, महावर्धमान महावीर को प्रणाम है, प्रणाम। मैना और गुजर आम जन जन की आस्था के केंद्र वर्धमान महावीर स्वामी है। हर एक इंसान यहां आए, हर एक भक्ति यहां भक्ति करे, लेकिन मंदिर की मर्यादा, मंदिर की पूजा पद्धतियों का ध्यान रखना भी प्रत्येक का कर्तव्य है। यहाँ के आचार विचार का अनुसरण करना भी जरूरी है। महाराज जी कह रहे थे आई एम लकी। क्यों भाई आई एम क्यों बोलने का, वी आर लकी। अकेले हम थोड़ी लकी हैं, हमें महावीर भगवान मिल गए इसलिए हम लकी हैं, हमें इतने सारे मुनिराज मिल गए, आचार्य महाराज मिल गए इसलिए हम लकी हैं। सौभाग्यशाली हो, जिस पल प्रभु का दर्शन हो उस पल आप लकी हैं, जिस पल नमोकार का मुख में जाप हो उस पल आप लकी हैं, और एक हर पल को आप लकी बना सकते हैं। अमुक मंदिर को संभाल रहे हैं, एक महाराज जी अमुक तीर्थ को संभाल रहे हैं, एक श्रावक धरुहेड़ा वाले, मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से एक एक व्यक्ति आपके ट्रस्ट बन जाए, पूरी एक संस्था हो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कहीं अकेला ऐसा दिखा कि इस मंदिर की इस तीर्थ के साथ कोई नहीं खड़ा है और आप में क्षमता है, तो आप एक व्यक्ति भी उसके लिए खड़े हो जाएंगे तो अभी आप अपने तीर्थों की सुरक्षा कर पाएंगे। गिरनार जी के लिए भी आवाज तो उठाइए, सही हमारा तीर्थ है। उस दिन जब भागवत जी से चर्चा हुई तो हमने सारी बातें कह दी, समय शिखर पर जिस ढंग से भक्ति पूजा के अधिकार हैं गिरनार पर भी होना चाहिए। भले सभी लोग दर्शन करें लेकिन जैनों को भी स्पेशल समय और ढंग से दर्शन करने का अधिकार मिलना चाहिए। वो हमारा तीर्थ है, नैमिनाथ भगवान से मोक्ष गए, मंदारगिरी हमारा तीर्थ है, वासुकुज भगवानों से मोक्ष गए, गोपाचल हमारा अतिशय क्षेत्र है, वहां पर विशाल प्रतिमाएं हैं, जिनालय हैं, और सिंधिया घराने के राजघराने की चार दीवारों के बीच में स्कूल है, कभी ना कभी वो भी जैन धर्म को मानने वाले रहे। तो समय आया है कि बदलते गए, नहीं तो राजे रजवाड़ों में भी जैन धर्म माना जाता था, देश में कभी जैन धर्म, तभी तो जैन प्रतिमाएं निकलती हैं जमीन से खुदाई में। ये धर्म जैन धर्म जन जन का धर्म है और जन जन का बने, प्रत्येक व्यक्ति इस सदाचार शाकाहार सत्य अहिंसा के रास्ते पर चल के अपना कल्याण करे, यही अंकल भावना। जय बोलिए वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती लालजी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी,